सो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो का एक भी पार्ट आप लोग मिस मत करना। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा कि फेसबुक अब किसी को भी एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन नहीं देगा, तो गाइस ये बात बिल्कुल सच है। फेसबुक की तरफ से आप किसी को भी एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को बस एंड तक जरूर देख लेना, ज्यादा लंबी वीडियो में नहीं बनाने वाला, ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो में नहीं बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, ऐसा मैंने क्यों कहा कि फेसबुक अब किसी को भी एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन नहीं देगा, उसकी रीजन है, रीजन ये है कि फेसबुक हाल फिलहाल में काफी सारे ऐसे अपडेट्स कर रहा है जिसके बारे में काफी सारे लोगों को जानकारी नहीं है। उसमें से एक ही अपडेट है, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल, ठीक है। ये एक ऐसा टूल है जहां पर आपकी सारी अर्निंग दिखाई देगी, चाहे आपके एड्स ऑन रील्स की अर्निंग हो, चाहे वो बोनसेस की अर्निंग हो, चाहे वो इन स्ट्रीम एड की अर्निंग हो। किसी भी टूल से आपने अर्निंग करी होगी, वो जारी सारी जाएगी अब कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के अंदर। तो एड्स ऑन रील्स की फिर आपको जरूरत ही नहीं है, ना ही इन स्ट्रीम एड की जरूरत है, ना ही आपको बोनसेस की जरूरत है, ठीक है। तो सारा मिला करके एक ही टूल बन जाएगा, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल, ठीक है। तो इसी वजह से फेसबुक अब किसी को भी एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन नहीं देगा, डायरेक्ट ही कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का ऑप्शन मिलने वाला है आपको। और वो किनको मिलेगा, जो मेहनत करेंगे, ठीक है, जो ओरिजिनल कंटेंट डालेंगे, जो असली में क्रिएटर होंगे, सिर्फ उनको ही फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का ऑप्शन देने वाला है, ठीक है। और कोई बात नहीं, अगर आप सोचते हो कि भाई फेसबुक अब आपको एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन दे दे या फिर बोनसेस का ऑप्शन दे दे, तो भाई इसके चक्कर में आप मत पड़ो, सिर्फ कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के पीछे आप लोग पड़ो, उसके लिए मेहनत करो। उसके लिए आपको बस ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जितना हो सके उतना वैल्यू अपनी ऐड करने की कोशिश करो अपने कंटेंट के अंदर, और जितना हो सके आपको मतलब एंगेजिंग कंटेंट अपने आईडी पर बनाना है, चाहे आप पेज पर बनाओ या फिर आप प्रोफाइल पर बनाओ, ठीक है। तो यही वो बात थी दोस्तों जो मैं आपसे करना चाहता था। आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।